केंद्र सरकार ने तीन कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर पिछले 48 दिनों से कोटा कलेक्ट्रेट के बाहर अखिल भारतीय किसान संघ और समन्वय समिति ने अनिश्चितकालीन धरना दे रखा है। आज किसानों ने कहा है कि वह लोग कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर तीन कृषि कानूनों और केंद्र सरकार के विरुद्ध एक दिन का उपवास करेंगे। किसानों ने कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उपवास करते हुए अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा था और देश को आजाद करवाया था। उनका अनुसरण करते हुए किसान अहिंसात्मक रूप से केंद्र सरकार से अपनी मांग मंगवाने का प्रयास कर रहे हैं। किसान भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अंतिम भाषण का अनुसरण कर रहे हैं और आंदोलित है। कलेक्ट्रेट के बाहर किसानों ने धरना जारी रखा और कहा कि 30 जनवरी तक जिला कलेक्ट्रेट के साथ जिले में पंचायत व ब्लॉक स्तर पर भी किसान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए अपने आंदोलन को जारी रखते हुए एक दिन का उपवास करेंगे। किसानों ने कहा है कि किसान आंदोलन बापू के पद चिन्हों पर चल रहा है और शांति प्रिय होकर किसान अपनी बात मनवाने के लिए अड़िग है। किसानों ने कहा है कोटा कलेक्ट्रेट पर जब तक धरना जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार उनके द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती है। साथ ही किसानों ने केंद्र सरकार से समर्थन मूल्य पर फसल खरीद गारंटी को कानून की भी मांग की है। किसानों की मांग को नजरअंदाज करके ये कानून बनाए गए, तो ये कानून वापस लेकर के समर्थन मूल्य का जो कानून है उसको सरकार संसद में पास करे और जब तक पास नहीं होता है तब तक किसान शांतिपूर्ण तरीके से हिंसात्मक आंदोलन के जरिए अपनी बात को मनवाने के लिए पूरे देश में धरना दे रहे हैं। महात्मा गांधी जी का शहीद दिवस है, पुण्यतिथि है। हम आज अखिल भारतीय किसान संबंध कल यहाँ उपवास रखेंगे, एक दिवस से उपवास रखेंगे, फिर यहाँ से महात्मा गांधी जी के मालाअर्पण करने जाएंगे। 11 बजे करीब हम लोग यहाँ से पूरे हमारे किसान भाई गांधी जी चार लोग हैं और हमने विचार कराया कोटा संभाग में हर जगह ऐसी उपवास हो।